नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी एस क्रॉस की बहुत सारी नई स्पाय शॉट सामने आई हैं। इसका जो ओवरऑल लुक है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं जो अभी नई स्पाय शॉट सामने आई हैं। इसके अलावा इसको कब अनवील किया जाएगा वो सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। वैसे मारुति सुजुकी कई सारी नई एसयूवीज लाने पर काम कर रहा है, वो भी इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट को देखा जाए तो बीते कुछ सालों में एसयूवीज का एक तगड़ा रोल रहा है। लोग अब एसयूवीज की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसी को देखते हुए मारुति सुजुकी कई साल से इस चीज पर काम कर रहा है। हालांकि दो एसयूवीज जो एस क्रॉस और विटारा ब्रेजा है, ये एक मजबूत सेफेस्ट और फीचर रिच गाड़ियां हैं, लेकिन इनको काफी टाइम पहले लॉन्च किया गया था, उस हिसाब से ये फीचर रिच है। लेकिन जो मॉडर्न टाइम चल रहा है उस हिसाब से इनमें वो फीचर्स नहीं मिलते जो मॉडर्न एसयूवीज में आजकल आ रहे हैं। तो मारुति सुजुकी अब मॉडर्न डे फीचर्स के साथ नई नई एसयूवीज लेके आ रही है, जिसमें सबसे पहले आएगी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा की नेक्स्ट जनरेशन, जिसको जल्द ही यानी कि 2022 के स्टार्टिंग के महीनों में ही अनवील किया जाएगा। उसके बाद 5-door जिम्नी आने वाली है। इसके अलावा टोयोटा के साथ जो पार्टनरशिप में एक गाड़ी उन्होंने बनाई है वो भी इंडिया में नेक्स्ट ईयर तक आएगी, जो कि क्रेटा को राइवल करेगी, क्रेटा सेल्टॉस जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी, यानी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में। वो लगभग 2023 के आसपास तक उसको लॉन्च किया जाएगा या अगले साल के एंड तक उसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये कुछ प्लान्स हैं जो मारुति सुजुकी की तरफ से सामने आए हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो है नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी एस क्रॉस, जो कि अब पहले के मुकाबले ज्यादा एसयूवी जैसी लग रही है। अभी जो नई पिक्चर सामने आई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। बात करें इसके लुक्स की यानी एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में, तो जो नेक्स्ट जनरेशन एस क्रॉस है 2022 जो अभी मार्केट में एस क्रॉस बिक रही है उससे ज्यादा बड़ी लगती है। यानी कि जो इसका ओवरऑल साइज है वो देखने में बड़ा लग रहा है, एसयूवी जैसी ज्यादा लग रही है। और जो इसका नया डिजाइन वाला लुक है ये इसको और भी ज्यादा अपीलिंग बनाता है। फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको हनीकॉम पैटर्न वाली एक लार्ज ग्रिल मिल जाएगी, ग्रिल के ऊपर की साइड एक पतली सी क्रोम स्ट्रिप मिल जाएगी और मिडिल में मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग। इसके अलावा इसमें नए स्लीक एंड स्टाइलिश हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे ट्राई बीम LED एलिमेंट्स के साथ, जो कि एक मॉडर्न डे फीचर से ऐड होता है और ये इसको और भी ज्यादा अग्रेसिव बनाता है फ्रंट से। जो इसका एक ओवरऑल लुक है, जो एक क्रोम स्ट्रिप हो गई, ब्रांडिंग हो गई, हनीकॉम ग्रिल हो गई, ये दो ट्राई LED बीम वाली हेडलैम्प्स हो गई, जो इसका फ्रंट लुक को और भी ज्यादा बेटर और अट्रैक्टिव बनाती है। इसके अलावा फ्रंट बम्पर को भी रिडिजाइन किया गया है, नई फॉग लैम्प हाउसिंग को ऐड किया गया है, इसके साथ ही कुछ और लाइटिंग एलिमेंट्स भी फॉग लैम्प्स के साथ ऐड किए गए हैं नीचे साइड वाले बम्पर में। साथ ही फ्रंट में नीचे की साइड सेंट्रल एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक नया रीडिजाइन मस्कुलर बोनट आप देख सकते हैं और ऑल ओवर ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिल रही है। बात करें रियर साइड की तो सुजुकी ने इसके फ्रंट के साथ साथ रियर पर भी काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पर आपको टेल लैम्प देखने को मिल रहे हैं, ये रेड की जगह यहाँ पर आपको व्हाइट मिल रहे हैं। एक क्रोम स्ट्रिप है जो लोगो से होती हुई दोनों टेल लाइट्स को कनेक्ट करती है। यहाँ पर आपको दो LED स्टॉप लैम्प मिल रहे हैं, एक रियर स्किड प्लेट पर और एक हाई माउंट पर। इसके अलावा दो रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं और साथ ही रियर वाइपर वॉशर एंड रियर डिफॉगर यहाँ पर आपको दिख रहा है। और जो इसका पीछे टेलगेट दिया हुआ है वो काफी अग्रेसिवली डिजाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी आर्चेस देखने को मिल जाती हैं और ये सब कुछ मिलकर के एक काफी स्लीक और स्टाइलिश लुक देता है रियर साइड को भी। यानी कि इसका फ्रंट और रियर दोनों ही पोर्शन मॉडर्न डेज के हिसाब से काफी ज्यादा हाईली स्टाइलिश हैं। इंटीरियर की कोई भी इमेजेस सामने नहीं आई हैं, इंटीरियर के बारे में अभी कोई अपडेट भी नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब मॉडर्न डे के हिसाब से इसको भी अपडेट किया जाएगा, कई सारे फीचर्स ऐड किए जाएंगे, ADAS जैसे फीचर्स इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। ये एक मिड साइज क्रॉसओवर है जिसकी भारत में 2,000 से 3,000 के बीच में ये सेल्स करती है हर महीने। ये गाड़ी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बनेगी जिस पर विटारा ब्रेजा है, यानी कि इसमें आपको अच्छी सेफ्टी रेटिंग्स के साथ साथ एक अच्छा केबिन स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, एक तो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.4 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन जो 48 वॉट माइल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। बात करें इस एसयूवी के ग्लोबल डेब्यू के बारे में, तो इसका वर्ल्ड प्रीमियर 25 नवंबर को किया जाएगा, जहां पर इसके बारे में सभी जानकारियां आपको मिल जाएंगी, इसका ओवरऑल लुक आपको मिल जाएगा, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन मिल जाएगा, इंजन ऑप्शन के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी।
लेकिन सबसे पहले इसको यूरोपियन मार्केट में अवेलेबल करवाया जाएगा, उसके कुछ महीने बाद इसको एशियन मार्केट या इंडिया में भी आप कह सकते हैं कि अनवील कर दिया जाएगा और लॉन्च किया जा सकता है। और हाँ, कुछ नई एसयूवीज जो इंडियन मार्केट में आने वाली हैं, जिसको लेकर के मारुति कई साल से तैयारियां कर रहा है, तो उनको भी एक के बाद एक लॉन्च किया जाएगा, जिनमें सबसे पहले मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा आने वाली है। जो मारुति सुजुकी एस क्रॉस अभी भारत में बिक रही है वो केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 18.43 टू 18.55 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन उसके अंदर मिलता है। जो इसकी एक्चुअल प्राइसेस हैं वो 8,51,000 रुपये से शुरू होती हैं और 12,49,000 रुपये तक जाती है। अब जो ये नई वाली एस क्रॉस आने वाली है, इसकी नेक्स्ट जनरेशन, वो लगभग 8.5 लाख रुपये से शुरू होकर के 12-13 लाख रुपये के आसपास तक जा सकती है। और इसके अलावा हो सकता है कोई नया वेरियंट्स ऐड किए जाए या फिर ट्रांसमिशन में कुछ नया अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। और फीचर्स में आपको कई सारे नए अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, कई सारी नई टेक्नोलॉजीज आप इसमें देख पाएंगे।